आसमान से आफत बरसी तो छिंदवाड़ा जिले के सौंसर में बीचों बीच बहने वाले नाले में उफान आ गया। देखिए शहर किस कदर पानी पानी है। सड़कों पर नदी की तरह पानी पूरे वेग में बह रहा है। घरों में पानी घुसा हुआ है, घर के बाहर पानी ही पानी है। छिंदवाड़ा में सैलाब की दूसरी तस्वीर देखिए। ये शख्स अपनी वैन में फंस गया। शख्स बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण वो वाहन से बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पाया। तस्वीरें देखिए, कई सारी गाड़ियां पानी में डूबी हुई है। मंदिर की सीढ़ियां भी डूबी हुई है। छत से ली गई मोबाइल कैमरे की तस्वीर में सैलाब का संकट आप देख सकते हैं। पानी से कुछ भी नहीं बच पाया है। छिंदवाड़ा का ये वीडियो सबसे हैरान करने वाला है। एक बाइक वाला पानी को पार करने की कोशिश कर रहा है। पानी की लहरें बाइक की सीट को चूम रही हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं शहर में कितना पानी भरा हुआ होगा। मूसलाधार बारिश में इस दफ्तर का हाल देखिए। ऑफिस में पानी ने पूरी तरह कब्जा जमा लिया है। छिंदवाड़ा के सौंसर में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम में अब तक 221 मिलीमीटर औसत बारिश हो चुकी है। छिंदवाड़ा का हाल आपने देख लिया। अब दिखाते हैं भोपाल शहर की हकीकत। भोपाल में रात से बारिश का दौर जारी है। भोपाल में रात भर में 3 इंच बारिश हुई है। निचले इलाकों की सड़कों पर पानी भरा हुआ है। भोपाल में सुबह की स्थिति देखिए। मानसून का महीना है। मानसून में बारिश का इंतजार हर किसी को होता है, लेकिन जब चंद घंटे में भारी बारिश हो जाए तो राहत की बूंदें आफत बरसा जाती हैं। देश के तमाम शहरों में यही हाल है। बारिश आई, परेशानी लाई। जी हाँ, हर साल की यही कहानी है। भोपाल की राजधानी है देश की। हाल ही में नगर निगम चुनाव हुए हैं, लेकिन राजधानी भोपाल में एक तस्वीर जो हर साल बारिश में नहीं बदलती है वो है निचले इलाकों में पानी का भर जाना। हम लिंक रोड पे इस वक्त मौजूद हैं। जो लोग भोपाल में नहीं रहते हम उनको बता दें कि ये भोपाल के नेहरू नगर, वैशाली, इन तमाम जगहों से रिवेरा टाउन, यहाँ से ये जो यातायात है ये जाता है भोपाल बीजेपी कार्यालय की तरफ, 7 नंबर स्टॉप की तरफ, 6 नंबर स्टॉप और अन्ना नगर, साकेत, इन तमाम जगहों पर। एम्स जाने के लिए लोग इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें पश्चिमी भोपाल से एम्स की तरफ जाना होता है तो। लेकिन इस सड़क पे हाल देखिए, करीब 1.5 फीट तक पानी जो है इस सड़क पर भर चुका है। और आपको बता दें कि हर साल यही कहानी रहती है। हर साल हम यहाँ से रिपोर्ट करते हैं, लेकिन ये हालात बदलते नहीं है। राजधानी भोपाल के ज्यादातर इलाकों में जो निचले इलाके हैं वहां पर इसी तरीके के हालात बने हुए। जो गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं उनकी तस्वीरों को आप देखिए। ये जो आप इनोवा गाड़ी गुजरते हुए देख रहे हैं, इसके पहियों को देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से पानी भरा हुआ है यहाँ पे। हालांकि कोशिश उन्होंने की है कि एकदम सड़क के किनारे से निकले, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से पानी भरा हुआ है वो बताता है कि इस सड़क पर हालात कैसे बने रहते हैं। भोपाल में 3 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है रात भर से। जो बारिश है वो देर रात से जारी, और इसके चलते जो आपको दिखाएं कि जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो तस्वीरों अगर आप देखिए, सबसे पहले 7 नंबर स्टॉप की, तो इस जगह पे आप ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस बीच हम आपको आंकड़े बताते हैं कि दरअसल किस तरीके के हालात है भोपाल में। भोपाल में बीते 24 घंटों के दौरान कोलार इलाके में 32 मिलीमीटर बारिश हुई है। भोपाल शहर में 47.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो वहीं जो एयरपोर्ट का इलाका है वहां पर 46.4 मिलीमीटर बारिश जो है वो अब तक हो चुकी है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 3 इंच से ज्यादा बारिश भोपाल में हो चुकी है रात भर से। और जिस तरीके से बारिश अभी जारी है, ठहरा हुआ मानसून का ये स्पेल है इस वक्त, तो अगर आप देखें यहाँ पे तो इस तरीके के हालात यहाँ पे अगले कुछ और दिनों तक इस तरीके देखने को मिल सकते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां पर मौसम विभाग का मानना है कि अगले 48 घंटे तक मौसम का यही सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर सक्रिय रहेगा। एमपी तक के लिए कैमरामैन निजात के साथ में रवीश पाल सिंह, भोपाल।